Every year during the festive season, Railways does special preparation for comfort of commuters. In order to clear the extra rush during the festive season of Chhath and Diwali, Railways run some extra special trains. Along with it has also restricted the carriage of inflammatory materials like oil, gas, petrol and crackers during the journey. Special trains have been planned to connect cities so that the commuters reaches their final station without much difficulty. संवेदनशील सामान लेके जा रहा है जिसपे हमें शक हो कि ये विस्फोटक हो सकते हैं तो उसके हम लोग जो है तुरंत जो हमारा ट्रेन का स्टाफ है कमर्शियल स्टाफ जो चलता है ट्रेन के ऊपर या जो हमारे आरपीएफ और जीआरपी स्टाफ चलते हैं वो जांच करके पता लगा सकते हैं कि ऐसा सामान तो नहीं है. Not only this, elaborated arrangements and additional trips of special trains have been planned to handle the extra rush during the festive season. किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, केरोसिन, ईंधन आदि लेकर रेल पर ना चलें. यदि आपको ट्रेन में कोई सिगरेट बीड़ी पीता हुआ देखें या ज्वलनशील विस्फोटक या लावारिस वस्तुएं मिलें तो आप उसको सूचना दें ताकि रेलवे उसका अवश्य कार्यवाही करे और दुर्घटना से बचा सकते हैं. रेल की कोच के छत पर ना चलें और किसी अनजान व्यक्ति से कोई खाने पीने चीज ना लें. आपकी छोटी सी लापरवाही से आपके और आपके साथियों के लिए काफी क्षति हो सकती है. सबका जीवन बहुत ही अनमोल है. अपने जीवन के साथ में लोग बहुत छोटी सी लापरवाही जो करते हैं उसकी वजह से जो है अन्य लोगों की भी जान जो है वो खतरे में पड़ जाती है. तो इसका थोड़ा सा अगर ध्यान रखें और अपने साथ यात्रा में ऐसी कोई भी वस्तु ना लेकर के जाएं जैसे पेट्रोलियम है, गैस सिलेंडर है और ट्रेनों में जो बीड़ी और सिगरेट पीते हैं या दिवाली का मौसम है इसमें आतिशबाजी पटाखे लेकर के जाते हैं तो ऐसे आर्टिकल्स अगर ऐसे जो सामान है ये अगर नहीं लेकर के चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और दूसरे लोग भी आपकी जरा सी सावधानी से दूसरे लोगों की और सबकी जान जो है वो बच सकती है. Individuals' attention to the appeal issued by the railway administration could help to avert railway accidents. Bureau Report, DD News.